नमस्ते, मेरा नाम नीरज है और आप दी लल्लन टॉप पर हैं। बात इस देश के सिनेमा को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले फिल्मकार मृणाल सेन की। 30 दिसंबर को सुबह 10:30 पर मृणाल सेन का निधन हो गया। ऋत्विक घटक और सत्यजीत रे के साथ मृणाल सेन ही थे जिन्होंने भारत में ऐसी फिल्मों का दौर शुरू किया जिनमें कहानियां बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई होती थी, उनमें कोई कमर्शियल मनोरंजन की बाध्यता वाली मिलावट नहीं होती थी, लेकिन वो बांध कर रखने वाली होती थी और बेहद ज़रूरी। वो विश्व स्तर के फिल्म आर्ट की बराबरी करने वाली फिल्में थी। ऐसी फिल्मों को आलोचकों ने समानांतर सिनेमा कहकर बुलाना शुरू किया। इन फिल्मों की नींव सेन, रे और घटक सरीखे फिल्मकारों ने ही रखी। ये तीनों अच्छे खासे प्रतिस्पर्धी भी थे, लेकिन एक दूसरे के काम को पसंद करते थे। उस पीढ़ी के फिल्मकारों में मृणाल दाही थे जो जीवित थे, लेकिन रविवार को 95 साल की उम्र में उनका भी निधन हो गया। तो कौन थे मृणाल दा, आइए जान लेते हैं। 2002 में 80 की उम्र में भी उन्होंने आमार भुवन नाम की एक फिल्म बनाई, वो भी फिल्म मेकिंग के प्रयोगों के साथ। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में जिस प्रशंसित फिल्म मृगया से अपना डेब्यू किया था और जिसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था, वो मृणाल दा ने ही बनाई थी। उन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला। मृणाल दा ने ही 20 के करीब नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे। विश्व सिनेमा में योगदान के लिए सोवियत संघ ने उन्हें साल 1979 में नेहरू सोवियत लैंड अवार्ड से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क का ऊंचा सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप मृणाल सेन को पहनाया। ये सम्मान पाने वाले वे अकेले इंडियन फिल्म मेकर हैं। मृणाल सेन पद्म भूषण जैसे तीसरे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। उन्हें 2005 में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया, जो भारत में फिल्मों का सबसे ऊंचा सम्मान है। एक और बात उनके बारे में, कोलंबिया मूल के जाने माने नॉवेलिस्ट, लेखक और पत्रकार ग्रेबियल गार्सिया मार्केज उनके दोस्त थे। मृणाल दा फरीदपुर में 14 मई को जन्मे थे 1923 में। ये जगह अब बांग्लादेश में है। स्कूल की पढ़ाई उन्होंने वहीं से की, फिर कलकत्ता के जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिजिक्स पढ़े, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की। छात्र जीवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा से जुड़े, लेकिन कभी सदस्य नहीं बने। बाद में एक फिल्मकार के तौर पर वे किसी विचारधारा से नहीं बंधे, हमेशा एक कलाकार के तौर पर मानवीय दृष्टिकोण से सोचते रहे। अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बारे में मृणाल सेन का एक मशहूर कोट है, द डिफरेंस बिटवीन पार्टी मार्क्सिस्ट एंड अ प्राइवेट मार्क्सिस्ट लाइक मी इज दैट अदर्स थिंक दे हैव पॉकेटेड द ट्रूथ वेयर एज आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। साल 1958 में आई उनकी नील आकाशीर नीचे आजाद भारत की पहली फिल्म थी जिसे बैन कर दिया गया था। ये फिल्म महादेवी वर्मा की कहानी चीनी भाई पर आधारित थी। ये ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों की कहानी थी 1930 के बाद के कलकत्ता की। यहाँ एक गरीब चाइनीज फेरी वाला वांगलू रहता है जो कलकत्ता की गलियों में चाइना सिल्क बेचता है। मजबूर पृष्ठभूमि से आता है, जब उसके देश चीन पर ताकतवर साम्राज्यवादी जापान ने हमला बोला होता है। कहानी की एक अन्य पात्र भी है बसंती, जो एक वकील की बीवी है और वांग से आत्मानुभूति रखती है, उसके कष्टों को लेकर संवेदना रखती है। पहले फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी फिल्म की तारीफ की। इसने थिएटरों में अपना रंग भी पूरा कर लिया। फिर जब भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने लगा तो एकदम से सूचना प्रसारण मंत्रालय वाले नींद से जागे और फिल्म पर रोक लगा दी। फिल्म में भारत की अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई और 1930 के दौर में चीनी लोगों की साम्राज्यवादी जापान के अतिक्रमण की लड़ाई को एक ही दिखाने की कोशिश थी। मृणाल ने बरसों बाद भी माना था कि फिल्म की इस टिप्पणी से वे इत्तेफाक रखते हैं कि किसी देश की आज़ादी की लड़ाई
और एक प्रगतिवादी विश्व की फासीवाद के खिलाफ लड़ाई अलग अलग नहीं होती, लेकिन 1962 में चीन भारत तनाव के दौरान कोई ये संदर्भ समझा ही नहीं। बाद में संसद में कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हीरेन मुखर्जी ने इसे लेकर टिप्पणी की। नेहरू और रक्षा मंत्री वी के कृष्णा मेनन वहीं थे, इन्होंने बाद में फिल्म पर से बैन हटवाया, लेकिन ये बैन तब तक 2 महीने का हो चुका था। दुनिया में जितने टॉप फिल्म फेस्टिवल होते हैं, केन, फ्रांस, वेनिस, बर्लिन, शिकागो, मॉस्को, मॉन्ट्रियल, कार्लोवी, कायरो, सब में उनकी फिल्मों को चुना जाता रहा है, उनको अवार्ड मिलते रहे हैं। साल 1969 में आई भुवन शोम उनकी आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। लगान में भुवन बने आमिर खान की माँ का रोल करने वाली सुहासिनी मुले इस फिल्म में उत्पल दत्त के साथ लीड रोल में थी। इस फिल्म में उनका नाम गौरी था। लगान में भी हीरोइन का नाम यही था। भारत और दुनिया के शीर्ष फिल्म स्कूलों में मृणाल दा की फिल्में पढ़ाई जाती हैं। फिल्म स्टूडेंट्स के अलावा विश्व सिनेमा में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी भुवन शोम, मृगया, अकाले रसंधाने, खंडहर, खारिज, आकाश कुसुम, कोरस, जेनेसिस, एक दिन अचानक जैसी फिल्में विशेष स्थान रखती हैं। ये उस गजब के फिल्मकार मृणाल सेन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें थी जो अब हमारे बीच नहीं है। अपने वक्त की अमानवीय स्थितियों को दर्शकों के सामने रखने वाले मृणाल सेन, उनकी फिल्मों में गरीबी, साम्राज्यवाद, अकाल, वर्गभेद, सामाजिक अन्याय, सूखा, गैर बराबरी जैसे विषयों को देखा गया। इसे लेकर मृणाल सेन ने कहा था, मैं अपने खुद के वक्त को समझने की कोशिश करता हूँ और उसे सामने रखने की कोशिश करता हूँ।